एक दिन जो जहां के मुख्यमंत्री ये कहते कि मैंने बांग्लादेश से आने के लिए कहा जिसके रिलेटिव है वो आ जाओ, मेरा दरवाजा खुला है, संघीय ढांचा को जो मैं न बर्दाश्त कर सकी। आज बंगाल से हिंदू भी पलायन कर रहे हैं, उद्योगपति भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए वोट के खातिर और राजस्थान के लोग पूरे देश में, उन्हें पूरे देश का थर्मामीटर मालूम होता है, किसी टीवी वाला से ज्यादा मालूम हो जाता है, क्योंकि सत्यवादी भी यही सबसे ज्यादा चलता है। तो मैंने पूछा ये कुरेशी इतना कैसे आता, कहा ये तो नहीं मालूम। तो राजस्थान पूरे देश में एक आर्थिक देश को बढ़ाने में राजस्थान के लोगों की बड़ी भूमिका है, राजस्थान से ज्यादा, राजस्थान से बाहर रखकर पूरे देश के लोगों ने बढ़ाने का काम किया, और केवल वही काम नहीं किया है, उनके अंदर विकास है, अपने राज्य का विरासत को भी कभी नहीं भूला है। राजस्थान में ये सबसे बड़ी खासियत है कि राजस्थान के लोग कहीं भी रहे, हालांकि आजकल गड़बड़ा रहा है, अपनी भाषा को नहीं भाषा वो छोड़ रहे हैं, कई जगह देखा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने एक अरविंद वालों से पूछा आप मूल कहां के हो, गुजराती हो कि कहा, मूल तो मैं राजस्थान का हो, लेकिन अब क्या कहें, अब तो गुजरात मूल हो गया। यानी देश में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके मूल में राजस्थान है, और मैं सभी को कोटि सा धन्यवाद दे करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राज्य सरकार से मिलकर के इसके रास्ते निकाले जाएं। मैंने उद्यमियों से भी आग्रह किया है, देश में कई मॉडल हैं। अभी यहां से निकलने के बाद भाभा इंस्टीट्यूट का एक टेक्नोलॉजी लगा है, उसे भी देखने जा रहा हूं, अभी ट्रायल में चल रहा है। देश बीस पर अनुसंधान कर रहा है, जोधपुर झेल रहा है, किसान इससे दुखित है, इसका निदान कुछ न कुछ निकलना चाहिए। मैं आपकी बात मैंने कई देश में जो मॉडल चल रहे हैं, मेरा जहाँ देखता हूँ उसका जिक्र करता हूँ। सर नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। बांग्लादेश में भी $120 आठ घंटे के, 120 से $130 है लेबर रेट, और भारत के अंदर भी टेक्सटाइल सेक्टर में 120 से $130, वहाँ पानी की दिक्कत है। आने वाले दिन में केवल 0.5% तापमान बढ़ा कि बांग्लादेश पानी के अंदर होगा, समुद्र के नीचे। इसलिए मुझे न बांग्लादेश चुनौती है, न वियतनाम चुनौती है, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में भारत, हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट इतना है, हम तो प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते। कुछ लोगों को इसके लिए बधाई भी देते। क्या जल चेतना कानून बनाना सभी से जल चेतना से ही संभव हो? क्या यार बात है, जनसंख्या कानून हो सकती है आपको लगता है?
आपको ज्ञान होना चाहिए कि चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण 60 करोड़ लोगों को रोका और आज वो तीसरी शक्ति बनके उभरा है। भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश हो गया। प्रति वर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। संसाधन हमारे सीमित है, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, इसे सड़क से लेके संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए, नहीं तो टुकड़े टुकड़े गैंग तुरंत झंडा लेके खड़े हो जाते। इसलिए देश में जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, अगर एक डिविडेंट है, नौजवान एक डिविडेंट है, तो हमारे लिए एक चुनौती भी। और ये चुनौती का समाधान होना ही चाहिए। अगर समाधान नहीं हुआ तो देश में सामाजिक समरसता नहीं बना रहा।